हम तो पूछेंगे में डिबेट नंबर दो, फेसबुक का फसाद। फेसबुक पर एक तस्वीर आई एक लड़के की, सरबजीत की। इस पर जसलीन नाम की एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई। सरबजीत को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे धर्म गुरुओं से बर्ताव सुधारने की सीख लेनी पड़ी। दुनिया इस बेटी जसलीन को बहादुरी के लिए सलाम कर रही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जसलीन की बहादुरी को देखते हुए इनाम का ऐलान कर दिया। लेकिन अचानक सरबजीत और उसका परिवार कहने लगा उनके बेटे को फंसाया गया। आरोप लगाया कि जसलीन ने सिर्फ मशहूर होने के लिए ये पोस्ट फेसबुक पर डाली, वो असल में आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। रेड लाइट पे आके मैं जस्ट रुका, उसने मेरे को बाइक पे हाथ रख के रोका। मैं रुक गया भाई, मैंने कहा मेरे को लेफ्ट जाना है, अब अपना राइट चले जाओ तू, करके बोला मैंने उसको कि तू अपना निकल जा। ये बात हुई, फिर दो कदम दूर जाकर मेरे को घूरने लग गए वो। उसके बाद मैंने बोला, मैं तेरे को वहां तक छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो तू अपना निकल जा। उन्होंने सारी बात बताई जो ऐसे उसकी घटना घटी, उन्होंने सारी हकीकत मम्मी को बताई, मम्मी ने मेरे को बताई। बच्चा हमारा झूठ नहीं बोलता, आप बच्चे के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं बड़ी खुशी से करो। यही नहीं, सामने आया एक शख्स जिसका दावा था कि वो इस पूरी घटना का चश्मदीद है। उसने दिल्ली के इस तिलक नगर छेड़छाड़ केस को एक नया मोड़ दे दिया। जो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड हो जाता है, आदमी ये सोचता है कि ये रेड हो गया, चलो अभी इस भीड़ में हम भी निकल जाएं। जैसे वो निकलने की चेष्टा कर रहे थे उसी समय ये महिला सामने आती है, मैं आपस में कहा सुनी होता है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई तू कौन होती है, जो दिल्ली का आम भाषा है तू तड़ाके। लेकिन जसलीन अभी भी अपने बयान पर कायम है। आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा, हम तो पूछेंगे में आज बड़ा सवाल। क्या सिर्फ फेसबुक पर मशहूर होने के लिए जसलीन ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप? ये बड़ा और गंभीर सवाल है। कल तक जो लड़की जसलीन कौर नाम की, जिसको देखकर ये लग रहा था कि उसने एक बड़ी आवाज उठाई है, वो एक इस सिस्टम को बदलना चाहती है और कई लड़के जो उसको तंग कर रहे थे उनको बेनकाब करना चाहती है। लेकिन आज यही लड़का सरबजीत जब पुलिस की जमानत मिलने के बाद बाहर आया और उसने जो अपनी कहानी सुनाई, उसने कहानी को एक नया रंग दे दिया। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, जसलीन ठीक बोल रही है या सरबजीत का परिवार सही बोल रहा है। हम दोनों लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमने भरपूर कोशिश की कि दोनों लोग एक साथ एक वक्त पे आ जाएं और अपनी अपनी शिकायतें दर्शकों के सामने रख दें, ताकि देश के दर्शक, देश का, हिंदुस्तान का आदमी तय कर सके कि कौन सच्चा है कौन झूठा। पर दोनों ही पक्ष इस बारे को, इस कंडीशन को लेकर कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ अरविंदर कौर जी जुड़ रही हैं, जो कि सरबजीत उस लड़के की माता जी हैं। अरविंदर जी, शुक्रिया आईबीएन 7 से बात करने के लिए। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि जो देश भर में बीते 24 घंटे के दौरान हुआ है, आपके आपके परिवार की जो बदनामी हुई है, उसमें दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और तय कर दें, देश की जनता देख ले और आपस में तय कर ले कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, आप अलग अलग बात करना चाहते हैं, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। अरविंदर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या सरबजीत की जगह आपकी लड़की होती वहां पर और जसलीन के बदले सरबजीत होता, तब आप क्या करती? क्या आज भी आपका रुख यही है कि सरबजीत मासूम है, सरबजीत को फंसाया गया है? देखिए, अगर सरबजीत की जगह मेरी लड़की होती और मुझे आके, जैसे उसने जारा आके इंसिडेंट बताया क्या हुआ, अगर ऐसी लड़की आके मेरे को बताती और हर माँ बाप को पता होता कि हमारा बच्चा सच बोलकर बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका भी पता होता है। जैसे सरबजीत ने आके मेरे को सारा इंसिडेंट घर आके सारा बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ है, वैसे मैं रेड लाइट पे खड़ा था और एक लड़की आई, उसने मेरी बाइक को हाथ दिया, उसने रोक दिया, उसने आके बोला कि मैं आप कार्यकर्ता की, मैं यहाँ पे ट्रैफिक के कानून समझा रही हूँ सबको। तो उसने कहा, सरबजीत ने बोला, अगर आप कानून समझा रही हैं तो मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, मैंने को लेफ्ट मुड़ना है तो मेरे को जाने दीजिए यहाँ से, आप और अपने ट्रैफिक के कानून को आप देखिए कि मैंने कोई तोड़ा है तो आप मेरे को रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि मैंने ट्रैफिक का कानून नहीं तोड़ा है। और आप ये देखिए, सरबजीत के साथ एक और स्कूटी पे लड़का है जिसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, उसने उसको क्यों नहीं रोका? और लड़के के साथ दो मिनट के अंदर अगर लड़के ने कोई उसको छेड़खानी की है, ये गलत बोला है, कुछ भी किया है, इतनी पब्लिक थी वहाँ पे, उसने सरबजीत को पकड़ कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया या लोगों को क्यों नहीं बोला? उसकी फ़ोटो क्लिक करने में लगी रही हैं, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी डालने के लिए उसने फेसबुक पे लड़के की फ़ोटोएँ डाल दी, क्यों भाई?
लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था? अगर लड़का गला था, लड़के को पुलिस के हवाले कराती। अरविंदर जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपके बदनाम कर दे कि लड़के की नौकरी चलेगी। आपके तर्क हो सकता है कि ठीक हो, मैं उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं भारत का कानून नहीं हूँ, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये एक तस्वीर है, हो सकता है जिस जो बात आपने की कि साथ में जो लड़का है जिसने हेलमेट नहीं पहना, उसके साथ उस लड़की ने उसको क्यों नहीं रोका, हो सकता है कि उसको रोका हो सकता है कि उसकी भी तस्वीर ली हो, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है जहां पे अरविंदर दिखाई, जहां पे सरबजीत दिखाई दे रहा है। ये आप ये कैसे कह सकती हैं बगैर उस लड़की से बात करे, जसलीन से, कि उसने दूसरे लड़के को टोका नहीं, सिर्फ आप ही के बेटे को तंग किया? क्या आपके बेटे से उसकी कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं, मैं ये बात इस बात पे कह रही हूँ कि उसने मेरे बेटे सरबजीत को ये बोला था कि मैं ट्रैफिक के कानून यहाँ के लोगों को बता रही हूँ। मैं इस बात पे बात कर रही हूँ, मेरा और लोगों से कोई ऐसे और कोई रीजन नहीं है उनको दुख पहुंचाने का या उनके लिए कोई बात करने का। लेकिन नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि लड़की अगर किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई है, आपने एक पार्टी का नाम लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर कोई भी पार्टी की लड़की हो और उसके साथ छेड़खानी हो तो आवाज नहीं उठाई क्या वो? और आपने कहा कि वो पुलिस में क्यों नहीं गई, तो उसने किया ना, उसने आपकी बच्चे की फोटो लगा दी फेसबुक के ऊपर और उसको बदनाम कर दिया, उसने आवाज तो उठाई कम से कम। नहीं, लड़की अपनी अगर जगह सही होती है और वो आवाज उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि लड़की अगर सही है तो उसको आवाज नहीं उठानी चाहिए, मगर अगर लड़का सही है तो लड़के को क्या करना चाहिए? सर जी, मेरे को आप ये बता दी, लड़का बिना मतलब अपने गुनाह कबूल कर ले? अगर नहीं, लड़का नहीं, सही है नहीं। वो कैसे कह दे कि मैंने गलती की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आवाज उठानी चाहिए, बल्कि गलती को लड़के को भी स्वीकारना नहीं चाहिए। अगर लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए ना माता जी, कि अगर क्या जसलीन की सरबजीत से कोई दुश्मनी है? क्या जसलीन सरबजीत को पहले से जानती है? जी नहीं, नहीं ना, तो नहीं। उसने सिर्फ सरबजीत की तस्वीर क्यों डाली? उसने सिर्फ सरबजीत की तस्वीर क्यों डाली और सरबजीत के बारे में फेसबुक और ट्विटर पे ऐसा क्यों लिखा, बताइए। ये तो इस बात का जवाब वो लड़की दे रही है, वो कैसे दे रही है आप देख ही रहे हैं। वो लड़की ये बोल रही है, वो लड़की देखिए सच कौन बोल रहा है, मैं ये तय करने नहीं बैठा हूँ, मैं वहां नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सरबजीत ने उसके साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस धमकी भरे अंदाज में बात की, जो कि आरोप है सरबजीत के ऊपर जो कि जसलीन कहती है, हो सकता है इसी वजह से वो तंग हुई हो, इसी वजह से उसने वो तस्वीर सरबजीत के फेसबुक पे और ट्विटर पे लगाई। देखिए, अगर वो आरोप सरबजीत के ऊपर नहीं लगाएगी तो अपना आपको सच्चा कैसे घोषित करेगी? मैं तो कहती हूँ अगर वहाँ पे, मैं वही तो बोल रहा हूँ माता जी, कि सिर्फ सरबजीत की फोटो क्यों लगाई, सिर्फ सरबजीत के बारे में उसने क्यों लिखा? वहाँ तो और लड़के भी खड़े हैं पीछे, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा उसने? सरबजीत से कोई दुश्मनी तो उसकी है नहीं, वो पहली बार ही मिली थी उस दिन वहाँ पे। इसका जवाब तो आप उस लड़की से, हाँ तो इस बात का जवाब तो आप उस लड़की से लीजिए ना कि उसने मेरे लड़के से किस बात की दुश्मनी निकाली, फेसबुक पे फोटोएं डाल दी, उसे इतना बदनाम कर दिया कि आज उसकी नौकरी भी चली गई है और दो दिन से वो कह रही है कि मैं कॉलेज ही नहीं गई है। कॉलेज की पढ़ाई तो वो कर सकती है बाद में, मेरे लड़के का क्या जो उसका फ्यूचर खराब कर दिया उसने, मेरे को ये बताइए। ठीक है, और जो इसने आरोप लगा दिए लड़के के ऊपर, इतना बदनाम कर दिया, कल लड़का कहीं भी जॉब के लिए जाएगा कितनी परेशानी होगी। आप क्या पलट के मुकदमा करने के सोच रही हैं? आपका आपका परिवार जसलीन क्या उसको जॉब मिलेगी? क्या आपका परिवार जसलीन के ऊपर मुकदमा करने का सोच रहा है? जी नहीं, हमें कुछ भी आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि मुकदमा तो अभी चलेगा, मामला तो अभी पुलिस में है। अभी कुछ नहीं सोचा और ना ही हम करेंगे कोई सुलह सफाई। हाँ जी, परिवारों में आपस में बात करके, बाकी हमें कानून पे पूरा भरोसा है। देखिए, हमें कानून पे पूरा भरोसा है, जैसे कानून, जैसे हमारे साथ कानून जो न्याय करेगा हम उसी पे ही चलेंगे। माता जी, हमारे साथ आपका पक्ष रखने के लिए एक और व्यक्ति इस वक्त मौजूद है, विश्वजीत जी, जो कि चश्मदीद रहे इस पूरे वाक्य के। और आप कैसे थे वहाँ पे, आपने क्या देखा, क्या हुआ? विश्वजीत जी, मैं अपनी पत्नी के साथ विकासपुरी से तिलक नगर मार्केट जा रहा था, कुछ शॉपिंग करनी थी। जब हम लोग ये अग्रवाल स्वीट्स की जो रेड लाइट है, जब हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, और रेड लाइट जो थी वो हमारी ग्रीन थी और हम उस लाइट को क्रॉस करना चाह रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन बत्ती लाल हो गई। जब रेड लाइट हुई तो अमूमन क्या होता है कि जो लास्ट लेन के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इसी
रेड लाइट में हम निकल जाएं जी। उसी निकलने के क्रम में जैसे निकलने की बारी आई सामने से मैडम चली आई और उन्होंने ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करी। जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो उसी में सबसे पहले, अगर आप उनके फोटोग्राफ्स जो देख रहे हो जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर डाला है, सबसे पहले उसके ठीक पीछे आप देखो एक लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्कूटी पे बैठा हुआ, ठीक है। उसके जस्ट पीछे वो भी सिख लड़का है, ठीक है, जिसकी स्कूटी पे सबसे पहला इनका हाथ लगा। जब इनका हाथ लगा तो सबसे पहले स्कफलिंग जो हुई उनकी बातों की वो उसी लड़के के साथ हुई कि भाई तू क्यों ट्रैफिक रोक रही है। इसी बीच में सरबजीत भी सामने आते हैं। इट वॉज मैटर ऑफ जिसको कहा जाए 2 या 3 सेकंड के आगे पीछे की बात है, ठीक है। वो आए, भाई क्यों ट्रैफिक रोक रही है, तो लाल बत्ती हो गया तुम्हें रुकना नहीं है, तो भाई साइड हो जा हमें जाने दे, ठीक है। जैसा दिल्ली पुलिस भी कहती है कि हमारे पास इतने स्टाफ नहीं है तो वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, तो वाइफ ने बोली तो मैं बोला भी कि भाई वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती, हो सकता है कि शी माइट बी वॉलंटियर और पुलिस को हेल्प करने के लिए है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर फोटो थोड़ा सा भी अगर ये कैमरा लेफ्ट की तरफ पैन की होती तो मैं भी उस फोटो में दिख जाता, ठीक है। तो इतने पास में था तो बातचीत इतनी हुई, उसके बाद इन्होंने फोटो लेने का कोशिश किया सरबजीत के मोटरसाइकिल के सामने नंबर, वाले नंबर प्लेट का, ठीक है। जब नंबर प्लेट की फोटोग्राफी हुई है देन सरबजीत भड़क उठे, बोलते है कि तू साबित क्या करना चाहती हो, तू ये किसको कंप्लेंट करेगी, तेरे को जिसके पास भी जाना है तू चली जा, मैं भी देख लूंगा। इस तरह का मतलब मेरे हिसाब से दोनों यंग है, ठीक है। अगर एक पार्टी दोनों लोग में से कोई एक आदमी भी अगर पेशेंसली इस चीज को उस समय को अवॉइड कर दिया होता तो ये शायद ये बातें नहीं होती। जसलीन का कहना है कि सरबजीत हमारे साथ जुड़ गए, सरबजीत की माँ के बजे अब सरबजीत खुद हमारे साथ हैं। शुक्रिया सरबजीत, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो आज शाम को आपने कहा किसी और चैनल पे कि हाँ मैंने तू करके बात की थी जी। आपने विश्वजीत कमिट करता हूँ, हाँ ये आप भी खुद कह रहे हैं, आपके सामने बातचीत हुई है विश्वजीत, तू तड़क करके बात करते हैं वो विश्वजीत जी, आपकी बात को मान भी रहे हैं। सरबजीत तू करके आपने बात की, उसने आपकी तस्वीर ली, आपने उसको कहा कि दया देख लूंगा मैं तू क्या करता है जी सर, आपने ये कहा उससे जसलीन से? सर जैसे उसने मुझे बोला मैं देखती हूँ, अब तू देख तेरे घर में कैसे पुलिस आएगी, तेरे को पकड़ के लेके आएगी फिर पता चलेगा। मैं कहा ठीक है, मेरे को लगा कि मतलब ट्रैफिक का तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है जो मैंने ना रेड लाइट क्रॉस करी ना कुछ कानून तोड़ा मैंने जो कंप्लेन करेगी। मैं कहा ठीक है देख लेंगे, जब तू भेजेगी तब पता चल जाएगा। तो आपने देख लेंगे तो जो ना कहा, सिग्नल तोड़ा ना कुछ करा मैंने, आपने देख लेंगे जो कहा जी। इस पर जसलीन को बुरा लगा जी, जसलीन ने इसके बाद इस पूरे नहीं मैंने कहा देख ले तो सर अगर जी आप बोलो सर अगर इतनी बात को अगर मतलब उसको बुरा लग गया मतलब किसी का करियर खराब हो जाए। हेलो जी, आप बोल रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूँ। किसी का करियर खराब हो जाए उसके बुरे लगने के चक्कर में, ठीक है आपका आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आपने उसके साथ बदतमीजी नहीं की? क्योंकि उस तस्वीर में उस जगह पर उस चौराहे पर और लोग भी खड़े हैं और उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया है जी। पर जसलीन ने सिर्फ आपकी तस्वीर क्यों लगाई, इसका मतलब आपने कुछ उनके साथ अपशब्द कहे होंगे और आप ये कह रहे हैं कि तू करके आपने बात की थी उनके साथ जी। सर मैंने तू करके बात करी, मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला कि मैंने तू करके बोला उनको सेकंड टाइम जी। फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको मैम करके बोला था, जब वो नहीं सुने तब मैंने तू करके बोला उनको। इसमें क्या फॉल्ट है सर मेरा? आपका आपने जो जवाब दिया ना फोटो खींचने के बाद उनको, सब देख रहे हैं, उससे वो एतराज हुआ उनको और आपने धमकाने भरे अंदाज में कहा जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा भी है। सर उन्होंने थोड़ी देर पहले चैनल पे ये कहा कि मैंने उनको बोला कि मैं कंप्लेन करूंगी, ठीक है, उसके बाद मैंने अपशब्द बोले, ठीक है, हाँ मतलब यही अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ बोला जी। सर अगर कंप्लेन कर मेरे को कुछ ऐसा करना होता मैं वहां पे रुकता, मैं पंगे लेता उससे, छेड़छाड़ करता, जो भी मैंने अपशब्द बोले मैं फटाफट निकल जाता। किसने मीडिया में आके ये बोला कि वो लड़का भाग गया वहां से? अरे नहीं मैं रोड क्रॉस करके सरबजीत साइड पे जाकर रुका भी था। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप जसलीन को पहले से जानते थे? इस दिन के पहले से कभी देखा था जसलीन को आपने? नहीं सर। नहीं देखा था? नहीं सर। जसलीन से संडे को ही इनको देखा शाम को। जसलीन के साथ ना कभी आप किसी कॉलेज में पढ़े, ना कभी स्कूल में पढ़े, ना आपके पड़ोस में रहती है, ना आपकी दोस्त है, ठीक है ना जी। फिर जसलीन आप ही की तस्वीर लगाकर आपको ही क्यों बदनाम करेगी?
कोई जसलीन जो आपको जब आपकी तस्वीर लगाती है सरबजीत, तो आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपकी तस्वीर लगाकर आप पर हमला करेगी और जसलीन बहुत रातों रात को स्टार बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ था उस रात को जिससे जसलीन को बुरा लगा और उसने आपकी तस्वीर लगाई और आपके बारे में ऐसा लिखा। सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, बट हाँ मैं बलि का बकरा जरूर बन गया, मैं ये कह सकता हूँ। आपने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए माफी मांगना चाहेंगे? सर गलत शब्द, सर गलत शब्द सिर्फ तू था कि तू यहाँ से निकल जाकर तेरे को जाना है तो मैं तुझे देख लूंगा। मुझे लगता है कि तू अगर कर ले, खींच ले फोटो, मैं तुझे देख लूंगा। मैं तुझे क्यों देख लूंगा सर? आई सेड कि अगर मैं वो कहती कंप्लेंट करते अगर पुलिस लेगी, मैं ठीक है तू करने ले कर ले, मैं ठीक है देख लूंगा, जब वो होगा तब मैं देख लूंगा। ये नहीं कि तेरे को मैं देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा और देख लूंगा बहुत फर्क होता सर जी। आपने जो किया आपको लगता है आपने ठीक किया, उचित था, जायज था? सर मैंने गलत किया, सिर्फ तू वर्ड बोला, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी ऐसा ना अपशब्द बोला ना कुछ बोला। अगर अपशब्द बोला तो अगर जसलीन अगर जसलीन की जगह आपकी कोई जसलीन की जगह आपकी कोई परिचित महिला होती, आपकी रिश्तेदार, आपकी बहन, तब भी आप इसी टोन में बात करते? जी 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 सर, इस वो भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट ना करते अगर मेरे परिचित होती तो, वो क्यों करती कंप्लेंट? मान लीजिए छोटी बहन से भी छोटी होगी, अगर मेरी बहन होती है ना मेरे से 2 या 4 साल छोटी होती है तो 6 साल छोटी है मेरे से। हाँ पर अगर आपकी कोई परिचित होती तो आप इस भाषा में इस्तेमाल करते, इस भाषा में बोलते उसको? हाँ। जैसा आपने बोला उस दिन सर घर पे तो छोटा सा मैं तू कर छोटा सा तू करके बोलता हूँ सर मैं अपने घर पे। बात तू की नहीं है, देख लूंगा, बात उस कोर्ट की है, उस फ्रेज की है, देख लूंगा सर तेरे मैं आई सेड देख लूंगा नॉट सर लिसन आई सेड देख लूंगा नोट तेरे को देख लूंगा। आपको लगता है कि तेरे को देख लूंगा बहुत फर्क होता है सर, तेरे को देख लूंगा पर्टिकुलर बंदा आता है। देखिए आप अभी भी कमिट नहीं कर रहे हैं, आप नेशनल टीवी पे हैं, अगर आपकी बहन होती, आपकी चाची होती, मामी होती, दीदी होती, उनके साथ भी इस तरह की भाषा गलत, हाँ जी उसके तरह इस तरह की भाषा का कोई और लड़का इस्तेमाल करे तो आप उसको माफ कर देंगे? तो आप उसको फैमिली में कौन किससे सर फैमिली में कौन किससे कैसे बात करता है वो हमारी सर सुनिए तो सही, फैमिली में कौन किससे कैसे बात करता है हमारे फैमिली मैटर होता है, चाहे हम बड़े को तू करके बोले या छोटे को तू करके बोले हमारे फैमिली मैटर होता है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई करके बोला, मैंने कमिट किया, मैंने तू करके बोला, चलिए कोई और लड़का कि तेरे को देख लो, कोई और लड़का आपके घर की महिला के साथ इस अंदाज में बात करे जो कुछ आपने किया सरबजीत, उसको आप माफ कर देंगे? जी बट सर मेरे घर की अगर बेटी ऐसे करती ना फेसबुक अपलोड तो हम उसको खुद को माफ ना करते। मैंने आपसे कुछ और पूछा, मैंने स्पेसिफिकली पूछा अगर आपकी महिला घर की महिला के साथ कोई लड़का बदतमीजी करे, ऐसी शब्द का इस्तेमाल करे तो आप उसको माफ कर देंगे? जी जी सर माफ नहीं करूंगा बट पहले तह तक तो जाऊंगा कि असली बात है क्या। हाँ तो तह तक ही तो जा रही है जसलीन, वही तो कर रही है, वही तो इसने आपकी तस्वीर लगा रही है तह तक जाने नहीं सर, तह पे सर तह पे जाने से पहले उसे सर तस्वीर लगाना और बदनामी करनी, तस्वीर लगा के स्कैम करना पूरा गलत होता है, वो अपनी कोर्ट खोल के नहीं बैठी हुई। तो ये कोर्ट तो तय करेगा ना कि आप आपके साथ सही हुआ कि गलत हुआ, कोर्ट अगर आपको बता देगा कि आप इनोसेंट हैं तो यही लोग जिन्होंने नौकरी से निकाला नौकरी पर रख लेंगे आपको। सही बात आपने बोली है जी सर, ये बात आपने अभी सही बोली है, कोर्ट बताएगा ठीक है, तो इसको FIR करवा के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, ना कि फेसबुक पे फैलाना चाहिए था हर जगह, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर हर जगह फैला दिया, ये कौन होते हैं फैलाने वाले? ये वही अंदाज है, छेड़ा है, ये वही अंदाज है। दिल्ली में एक टैक्सी में आपने सुना होगा प्राइवेट टैक्सी में बलात्कार की घटना घटी थी एक टैक्सी के ड्राइवर के द्वारा, और उसमें उस महिला ने उसको केवल फेसबुक पर डाला था जी, और उसके बाद वो कितना बड़ा मुद्दा बन गया था, आज वो टैक्सियां दिल्ली की रोड से गायब है। तो ये भी एक तरीका है कंप्लेन करने का सोशल साइट पे। सर वही तो हो रहा है, एक ने उठा लिया सर बहुत, हाँ तो ठीक है अगर वहां पे कंप्लेन करते फिर पुलिस में क्यों गए, पुलिस में ना जाते? चलिए वहां भी चले गए, पुलिस में भी चले गए, बस हर जगह हो गया। ठीक है, जसलीन भी मेरे साथ जुड़ गई है। जसलीन अगर आप इस बातचीत को सुन रही हो तो बहुत अच्छा होगा, मैं वरना आपको अगर पूरी बातें बताऊंगा तो उतने ही मिनट निकल जाएंगे जितनी देर मैंने इनसे बात की। लेकिन जसलीन मैं आपसे जानना चाहूंगा,
आप क्या सरबजीत को पहले से जानती थी? हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो आपने सरबजीत के साथ वहां जो और लोग खड़े थे, जिन्होंने स्कूटी पे थे, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, उनकी तस्वीर क्यों नहीं डाली फेसबुक पर, ट्विटर पर? सरबजीत की क्यों डाली? क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी और उसने मुझे थ्रेटन किया था कि तू कंप्लेन करके दिखा, और उसने वो बाइक से अपनी उतर कर भी आया था मेरी तरफ चलते हुए, फिर मैंने अपना फोन निकाला उसकी फोटो लेने के लिए तो वो वापस बैठ गया, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं कही, मेरे साथ बदतमीजी सरबजीत ने की थी, इसलिए मैंने उसकी फोटो ली। सर, सरबजीत ने आपके साथ बदतमीजी की, इसीलिए आपने उसकी फोटो ली और आपने फेसबुक पर डाल दी। सवाल ये उठता है कि किसी को बदनाम करने का अधिकार आपको किसने दिया? फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल देना, आप पुलिस के पास जाती? सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने पुलिस को ही कंप्लेंट करी थी। पुलिस जो थी वो, उसने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे मिलेगी, लेकिन वो कंप्लेंट लिख के चले गए थे। लेकिन मैंने, जो कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल है फेसबुक पे, मैंने उस पर एक फोटो इसलिए शेयर करी क्योंकि सर इतना आप भी जानते हैं कि अगर मैं उस चीज को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती और ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होती तो इतना क्विक एक्शन ना होता ना ही। और मैंने इसलिए भी एक और रीजन था डालने का कि इस इंसान ने मुझे थ्रेटन किया था कि अब तू देख क्या करता हूं मैं तेरे साथ, कि तूने कंप्लेंट करके दिखा, अब तू देख। और सर, एक और बात मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगी, इस इंसान ने मुझे अभी 5:30 को न्यूज नेशन ने हमारी बातचीत करवाई थी, न्यूज नेशन चैनल पर लाइव इसने मुझे फिर से थ्रेटन करा है कि पिक्चर्स एडिट करनी तो मुझे भी आती हैं, फोटोज एडिट करनी तो मुझे भी आती हैं, वो तो मैं भी कर सकता हूं। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि फोटोज मेरी ये कुछ एडिट करके इधर उधर फैला देगा? तो अगर इस इंसान की इतनी हिम्मत है कि ये खुलेआम मुझे नेशनल टेलीविजन पर धमकी दे सकता है, तो पहली बात तो पुलिस को इस बारे में एक बार देखना चाहिए, पुलिस अथॉरिटीज को, इस इंसान ने मुझे फिर से धमकी दी है। और अगर इसकी इतनी हिम्मत नेशनल टेलीविजन पर है तो आप सोच सकते हैं कि उस दिन रोड पर इसकी क्या हिम्मत हुई होगी। ठीक है सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, अभी मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई है Jasleen, और मेरे को कोई शौक नहीं है अपनी लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब करने। जसलीन, बिल्कुल हम भी किसी की लाइफ डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, और जसलीन और सरबजीत को मैं भी नहीं जानता था आज के दिन के पहले, ठीक है ना। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर हर जगह आ रहे हैं तो इसी मुद्दे की वजह से आ रहे हैं, इसीलिए आज आप अपने अपनी बात कहने का अधिकार आपको मिल रहा है। जसलीन, आपने लंबी चौड़ी बात की, बहुत कई सारे एलिगेशन लगाए सरबजीत पर, सरबजीत जवाब देना चाहेंगे आप, बताइए। जी सर, इन्होंने बोला इनकी लाइफ खराब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो मेरी लाइफ क्या कर दी इन्होंने? मैं तो इनको नहीं जानता था, ना ही मुझे जानते थे, मैं तो अब से एक घंटे के लिए घर से निकला था अपने। थोड़ी देर पहले जो चश्मदीद हैं मिस्टर सर, इन्होंने बोला, हेलो सरबजीत, आप बोलो। हाँ जसलीन, मैं आता हूँ आपके पास, लेट हिम स्पीक, आई विल कम टू यू जसलीन। सरबजीत अपनी बात पूरी कही आप, इसके बोलो सरबजीत। चश्मदीद हैं, उन्होंने बोला कि तू कौन होती है जो फेसबुक पे तूने, जो तू कौन होती है तूने फेसबुक पे डाल दिया, हर जगह डाल दिया, ठीक है। ये चश्मदीद है जिन्होंने गवाही दी मेरे फेवर में, ये कहती सच कौन है झूठ कौन है वो कोर्ट बताएगी सर के बारे में, जो चश्मदीद है तो सेम उसके लिए नहीं बता सकती थी कोर्ट, जो इसने हर जगह फैला दिया मेरे बारे में। जसलीन, आप जवाब देना चाहेंगी? विश्वजीत जो खुद उठ के विश्वजीत जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और उन्होंने भी कहा कि इतना बड़ा कोई बात नहीं थी कि इतना बड़ा मुद्दा बनता, मैं ठीक बोल रहा हूँ विश्वजीत जी? बिल्कुल। जसलीन, आप जवाब देना चाहेंगे इनकी बात का? इनका भी कहना है कि ऐसी कोई बात सरबजीत ने नहीं की थी कि इतना बड़ा इश्यू बन जाता। जसलीन सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं इन विटनेस जो सर हैं, मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको ही पता है इन केसेस में बहुत आसान होता है। मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैंने कोई फेक विटनेस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करा। मैं ये नहीं बोल रही कि विश्वजीत सर फेक हैं, वो हो सकता है सही हो सकता है फेक हो। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जैसे कि सर कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है इस इंसान की गाड़ी के पीछे खड़ी थी, अगर गाड़ी पीछे खड़ी थी तो उनको क्या पता, क्योंकि मैं इस इंसान की गाड़ी के आगे खड़ी थी, उसने मुझे क्या अब्यूजेस बोले, उसने मुझे क्या वर्ड्स बोले, हो सकता है कुछ उन्होंने सिर्फ आर्ग्यूमेंट सुना हो, लेकिन जब इस इंसान ने मुझे अब्यूज करा और मुझे बोला ज्यादा प्रॉब्लम है तो चल आगे जनकपुरी तक छोड़ आता हूं, और जब उसने मुझे ये बोला कि कंप्लेन करके तो दिखा फिर देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ, हो सकता है उन्होंने वो पार्ट ना सुना हो। तो मैं विटनेस सर को मैं ये अपील करना चाहूंगी कि हाँ, अगर वो रियल विटनेस हैं, अगर वो वहां पे थे उस वक्त, तो
हो सकता है उनको 50% सिर्फ स्टोरी पता है, पूरी स्टोरी सर पता कीजिए फिर अपनी कोई स्पेकुलेशन लगाइए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मेरी जो आप बीती है, लिसन सर सुनिए, मेरी जो आप बीती है मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया क्योंकि वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। हाँ मेरा हक है क्योंकि मैं मुझे पता है मेरे साथ उस इंसान ने गलत किया है, उस इंसान ने मुझे थ्रेटन करा है, तो हाँ उसकी फोटो मैं शेयर करूंगी ताकि कल को मेरी लाइफ को थ्रेट ना हो, ताकि कल को कुछ, क्योंकि उसने जो कहा था फिर तू देख मैं क्या करता हूँ, उसकी शुरुआत जसलीन आपके आपकी बातों का जवाब विश्वजीत जी भी देंगे और सरबजीत भी देंगे। आप मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए, अगर सरबजीत के बदले ऐसा लड़का होता वहां पे जिसको आप जानती हैं तब भी आप उसकी फोटो फेसबुक पर और ट्विटर पे लगाती हैं, उसका करियर बर्बाद कर देती, हाँ या ना? जी करियर बर्बाद वाली जो सर जो चीज है ये आप एक्विजिशन मुझ पे मत लगाइए, ये उनकी कंपनी का प्रोरोगेटिव है या जो जिस कंपनी वो काम करते थे उनका प्रोरोगेटिव है, ठीक है। और जैसे कि आप पहले ये इसीलिए हुआ जसलीन निकल कर आएगा, जसलीन ये इसलिए लगा रहा हूँ आप पे इल्जाम, ये और इल्जाम नहीं है, ये सवाल पूछा मैंने आपसे, मैं इल्जाम लगाने वाला कोई नहीं होता हूँ, जो भी पूछ रहा हूँ सवाल ही लगा रहा हूँ। आंसर है हाँ, चाहे मैं किसी इंसान को जानती हूँ या ना जानती हूँ, वो बदतमीजी करेगा तो मैं उसकी कंप्लेंट करूंगी, उसके आगे के रेपरकशंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उस आगे के रेपरकशंस के लिए वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है दूसरा सवाल। जिसने सड़क चलती लड़की को छेड़ा, अब मेरा दूसरा सवाल रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सरजीत खुद रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, ये एलिगेशन लग रहा है आप पे कि आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आपकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही है, इनके परिवार का भी कहना है, अभी अरविंदर कौर हमारे साथ थी, सरबजीत की माँ, उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आपने क्या ये सब कुछ किया? अच्छा नहीं, पहले तो सर आप खुद देखिए आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने एक्यूजेशन लगाया कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, पहली बात तो हाउ इज इट एन एक्यूजेशन, क्योंकि अगर आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लड़कियां हैं उनको कोई भी सड़क पे छेड़ सकता है, पहली बात तो ये, क्योंकि इसका आंसर है नहीं, आम आदमी पार्टी को अगर मैंने सपोर्ट किया है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई भी आके सड़क सरबजीत जवाब दीजिए इस बात का, सरबजीत जवाब दीजिए इस बात का अगर वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी है, सवाल मैंने आपकी माँ से ही पूछा था, ये सवाल मैंने आपकी माँ से ही पूछा था कि अगर किसी भी पार्टी से जुड़ी है तो इसका मतलब क्या छेड़छाड़ हो जाएगी उनके साथ? बोलिए सर, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए सर, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल लड़की होती है या वो किसी पार्टी में जाके लड़की तो लड़की जाके छेड़ने होती, लड़की रहती है, कोई ना उसको नॉर्मली छेड़ सकता है ना किसी पार्टी में जाने के बाद छेड़ सकता है, और लड़की को पूरा राइट है कंप्लेंट लिखवाने का, हर चीज करने का, बट झूठा नहीं। तो आप लोगों ने ये क्यों कहा कि वो आम आदमी पार्टी की इसलिए ऐसा कर रही है? आपकी भी साउंड बाइट है मेरे पास, मैं सुनवा सकता हूँ सरबजीत। सर हमने इनके लिंक से फोटोज निकाली जहाँ पे इनकी फोटोज हमने देखी। अरे तो क्या हो गया अगर ये किसी एक्स वाई जेड पार्टी के साथ जुड़ी हुई है सरबजीत? आइडिया लगाया। अरे तो आइडिया लगाने से इसका मतलब आप छेड़ सकते हैं उनको? सर लिसन टू मी बोलिए सर, आइडिया और दावे में फर्क होता है, दावा तो मैंने किया ही नहीं। नहीं मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, अब आप जवाब दीजिए सरबजीत, अगर ये किसी भी पार्टी से जुड़ी है तो क्या इनको छेड़ा जा सकता है? ये कहाँ का इंसाफ हुआ जी? सर मैंने तो नहीं कहा जी, अगर पार्टी में तो इनको छेड़ा जाएगा, अगर ये कह रहे हैं मैंने इनको छेड़ा है तो फिर आप लोगों ने इनके प्रोफाइल से वो तस्वीरें निकाल कर क्यों मीडिया को दी? फिर आपने क्यों वो इस तरह के बयान दिए आपके और आपकी माँ ने आपके परिवार ने कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी है इसलिए ऐसा कर रही है? इनका बैक सपोर्ट तो सर बैक सपोर्ट ना दिखाएंगा, बैक सपोर्ट गया है। अरे तो बैक सपोर्ट की बात ही नहीं आ रही है, कहाँ से मिल रहा है? खाली फैमिली क्यों, कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता इनके हक में खड़ा हो गया आके? जी सर बैक सपोर्ट यही होता है। क्या होता है वो? तो सर बैकग्राउंड पीछे रह के भी खड़े रहते हैं सर, जरूरी नहीं है फेस पे आना, जरूरी है। इन्होंने एक्यूजेशन ये लगाया था, सुनिए सर, इन्होंने मुझे नहीं लगता इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि आपने ये नहीं बोला था कि कौन मेरी बैकिंग पे है, इन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि इस लड़की ने ये हरकत इसलिए की क्योंकि ये आपकी कार्यकर्ता है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपकी कार्यकर्ता हूँ और मुझे उससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए होता तो मेरे कल सुबह 8 बजे से इंटरव्यूज जो शुरू हुए हैं सर, आप IBN 7 के साथ भी हुआ था, क्या मैंने एक भी चैनल पर कभी ये बोला कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ? क्या मैंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ? या फिर मैंने कभी अपने फेसबुक पे लिखा हो, फेसबुक पोस्ट में लिखा हो बड़ी बात कि मैं आम आदमी पार्टी की? अगर मुझे पॉलिटिकल मोटिव उठाना होता तो उल्टा मैं बोलती कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी की हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये लोग ये बोल रहे हैं कि मैं सीवाई कंटेस्ट करूंगी, ठीक है,
ठीक है, मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ ठीक है, वो बात 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 में नहीं जा रहा हूँ, चुनाव की बात। ठीक है ठीक है, सरबजीत आप जवाब दीजिए, आप जवाब मोटे वाली बात। आम आदमी पार्टी का मुद्दा आप लोगों ने क्यों उठाया सरबजीत, और किसके कहने पर उठाया? सर सुनिए, मैंने लिसन सर, इनकी मैंने सारी बात बड़ी की जो इन्होंने अभी अभी बोली। ठीक है, जब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था रोड के सेंटर पे, तो ये और इसका फ्रेंड वहाँ पे क्या कर रहे थे, ट्रैफिक क्या कंट्रोल कर रहे थे, जब वहाँ पे क्या वो अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहा? सॉरी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था मेरे साथ, झूठ झूठ। गवर्नमेंट से बड़ी होगी लड़की, मैं अकेली थी वहाँ पे। जो भी तुम्हारा पार्टनर था, मैं अकेली थी वहाँ पे, सर बोलिए बोलिए सरबजीत, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए सर। इन्होंने थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पे कमिट किया है कि हाँ इनका एक बंदा और था जो इसको इनके नॉन में है, जानता है इनको, इन्होंने कमिट किया और अभी मुकर रहे हैं। झूठ। मैं सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं 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 सर, देखिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। लाइव हो रहा है, हर जगह लाइव हो रहा है, लाइव हर जगह हो रहा है। हाँ हाँ, तो सर सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए ना जसलीन। झूठ बोल रहे हैं, मैंने उस हाँ उस एंकर ने, मुझे याद भी नहीं कौन सा चैनल था, उस एंकर ने मुझसे पूछा क्या आप वहाँ पे अकेली थी, आपके साथ और कोई था? मैंने बोला नहीं, ये जब पूरा सीन हुआ मैं वहाँ पे अकेली थी, पीसीआरआई जो भी हुआ मैं अकेली थी। मुझे बाद में ये बात बताई गई कि इस इंसान ने आगे जाके किसी से बात की और ये क्लेम कर रहा है कि जिस इंसान से इसने आगे जाके बात की वो मेरा दोस्त था। मुझे बाद मतलब मैं उस इंसान को जानती हूँ, ये बातें पता नहीं बाद में अटकलें उठा रही हैं क्या है, लेकिन I will stick to what I said on the first day and what is true. सच बात ये है कि उस वक्त मैं वहाँ पे अकेली थी, मैं सीपी से आ रही थी मेट्रो स्टेशन की तरफ से, अपने घर की तरफ वॉक करके जा रही थी, मैं अकेली थी। मेरे साथ विश्वजीत जी हैं, मेरे साथ विश्वजीत जी हैं, उनसे विश्वजीत जी कोई और था वहाँ पे जसलीन के साथ, उसके पार्टनर के तौर पर? सर एक बात बोलना चाहूंगा, अकेली थी, उनसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए विटनेस ने सर जसलीन, अब तो ये आई विटनेस आपको ठीक लग रहे होंगे, ये फेक नहीं लग रहे हैं अब तो जसलीन, आप आई विटनेस को ठीक मानेंगे? मैं अभी सर मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही आई विटनेस पे, मैं अपनी बात बोल रही हूं। अरे अभी आपने कहा कि ठीक बोल रहे हैं, सही गलत मैं कुछ नहीं, जसलीन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो बात आपको सूट कर रही है वो आप मान ले रही हैं, जो बात आपको तंग कर रही है उसमें आप कह दे रही हैं फेक हो जाते हैं। सर आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आप बातों में फंसा के, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं आप मुझे अपनी बातों में फंसाएं। मैंने बस ये बोला है कि मैं अपनी बात कर रही हूं जसलीन, जसलीन कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है, जसलीन कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है सर, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ जसलीन, जसलीन आप बोलिए, जसलीन मेरी बात सुनिए, जसलीन आप बोलिए फिर सरबजीत आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको दो मिनट, मैंने आपको कहा कि आप विटनेस से जाके पूछिए कि मां पे अकेली थी या नहीं, ये तो आपने खुद पूछा है ना? मैंने पूछा, आपने अभी इस आई विटनेस को फेक कहा उनके मुंह पे, इन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि मेरा मेंटल टॉर्चर हो रहा है सुमित अवस्थी, आप ही आपने कहा कि ये फेक हो सकते हैं, विश्वजीत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि उनका मेंटल टॉर्चर हाँ, हो रहा है। हो सकते हैं बिल्कुल, हाँ अभी भी हो सकते हैं, मैं इसीलिए भी हो सकते हैं, हो ठीक सकता है, फेक ठीक है जसलीन, लेकिन मैं ये चीज पॉइंट आउट, सुनिए सर सुनिए, हो सकता है वो फेक हो, सकता है वो गलत हो, लेकिन आप ये देखिए कि इस इंसान जो अक्यूज है इस केस में जिसपे मैंने आरोप लगाया है, इस इंसान और इसके आई विटनेस की स्टेटमेंट में कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों आ रहा है? कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है इसका मतलब दोनों में से एक इंसान गलत है या फिर उनके बीच की सेटिंग ठीक नहीं बैठ रही है। तो आप ये देखिए कि आई विटनेस और उस इंसान के बीच की स्टेटमेंट में कॉन्ट्रोडिक्शन है, ये बात को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी। और हाँ मैं वहाँ आपकी बात में दम है, बिल्कुल दम है, दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है और दोनों बात मान भी रहे हैं, आपकी बात में दम है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जसलीन, मैं आपको खुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि आपका मेंटल टॉर्चर हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि आपने एक बात पकड़ी कि दोनों आदमी अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी अपने होशो आवाज में और ठीक तरीके से बात कर रही हैं, ठीक है ना, मेंटल टॉर्चर की बात को उसको अलग रखता हूं मैं। अब सरबजीत आप कुछ कहना चाह रहे थे, सरबजीत अब आप बोलिए। जी सर मैं, इन्होंने बोला ये सीपी से आ रहे थे जी, ठीक है, रोड क्रॉस कर रहे थे जी, हेलो, इन्होंने बोला सीपी से आ रहे थे रोड क्रॉस कर रहे थे जी हाँ, जो हमारे आई विटनेस है इनसे पूछी कि अग्रवाल की तरफ से ये रोड क्रॉस करके उधर को जा रहे थे, वहां पे कौन सा मेट्रो स्टेशन है सर? मेट्रो स्टेशन से वापस, मेट्रो स्टेशन पड़ता है तिलक नगर या जनकपुर? जसलीन की बात सुनिए सर, बताती हूँ ना सर, सर हाँ हाँ, मैं तिलक नगर से वापस चल के अग्रवाल क्रॉस करके सर चैंसन है वहाँ पे एक दुकान, वहाँ से राइट मुड़ के मेरा घर आता है,
हाँ, तो मैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से चल के उसी रोड से मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, उसी वही रोड से मुझे गुजरना पड़ता है अपनी घर की तरफ जाने के लिए। सरबजीत तसल्ली हो गई, अगर आपको मतलब इसमें भी आप प्रॉब्लम उठाएंगे सरबजीत, इसमें आप इतना इसमें करमचंद बनने की क्या जरूरत है, जेम्स बॉन्ड क्यों बन रहे हैं आप? मुद्दा सिर्फ छोटा सा है, मुद्दा सिर्फ छोटा सा है, चाहिए मनन करना चाहिए, लेकिन आपस में एक ऐसी बात पे जिसको माफी मांगकर खत्म किया जा सकता है, अगर गलती नहीं भी की है तो झुककर खुश किया जा सकता है, दोनों आदमी झुकेंगे तभी संतुष्टि हो सकती है। लेकिन मैं हार गया, जसलीन और सरबजीत इस डिबेट में जीत गए, अब देश का कानून तय करेगा। विश्वजीत जी आप माफ करिएगा, आप तीनों का शुक्रिया सर, बदनामी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता सर। आप तीनों का शुक्रिया, लेकिन सरबजीत सरबजीत अरे मैं तो आपको भी कह रहा हूँ जसलीन, क्या आप भी कह सकती हैं सर जसलीन कि मैं ही माफ करती हूँ, चलिए खत्म करते हैं, किसी का करियर खराब करने का अंदेशा नहीं था। माफी मांगे तो चलिए, देखिए मैं यहाँ अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, मैं ईगो नहीं पालता हूँ, बिल्कुल नहीं पालता हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ईगो नहीं, नहीं 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 सर, लड़कियों की इज्जत का सवाल है, नहीं नहीं जसलीन, मुद्दा नहीं है ये, राई का पहाड़ वाले बात नहीं है, मेरे लिए छेड़खानी, जसलीन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपके आपके जान पहचान का लड़का होता, आपका भाई होता, उसके खिलाफ कोई और लड़की ऐसी शिकायत करती, कोई और लड़की ऐसी शिकायत करती तो आप क्या करती? उसको बोल बिना माफी मांगे मैंने तुझे सर, मैं अगर मेरे भाई ने या मेरे जान पहचान के लड़के ने या मेरे दोस्त ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी करी होती तो मैं उस भाई के साथ, अपने भाई के साथ नहीं, मैं उस ये छेड़खानी, चलिए चलिए चलिए, आपने अपनी बात की, अब ये सरबजीत और जसलीन के बीच का मामला है, देश की जनता तय करेगी कौन सही बोल रहा है कौन झूठ। सर सरबजीत सरबजीत मैंने आपको माफ किया, मैं भी ये भी बोल देती हूँ, मैंने आपको माफ किया, ठीक है, हो सकता है आपने गलती ना की हो सकता है आपको लड़कियों को गाली गलौज देना छोटी बात लगती हो, मेरी तरफ से ठीक है आपको माफ किया। सटायर मत करिए, ये सटायर करने का मंच नहीं था, आपने अपनी बात ठीक की, आप सटायर करना चाह रही हैं जसलीन, अप टू यू, अगर आपको गलती मैंने की है माफी के इस बात के लूं सर, चलिए ठीक है, आप दोनों माफी लेना भी नहीं चाहते सर, नहीं नहीं आपने जसलीन जसलीन आपने आपने माफी नहीं की, गलती आपके, सॉरी बोलो। चलिए सरबजीत अब आप अपनी बात पे अड़ रहे हैं, मेरी ये कोशिश में नाकाम रहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ, और इस नाकाम होने में मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। सरबजीत जसलीन शुक्रिया, आप मत करिए, आप मत मानिए, आपको जो करना है, आपको जो करना है आप कोर्ट कचहरी में जाके करिएगा, वही कानून देश का कानून तय करेगा कि सरबजीत ठीक है कि जसलीन ठीक है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ अपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ जसलीन और सरबजीत, दिल्ली के दो चेहरे जो पिछले 24 घंटों से ज्यादा वक्त से देश के मीडिया पर छाए हुए हैं, देश को तय करना है, देश के कानून को तय करना है कि जसलीन सच्ची है या सरबजीत सच्चा है। विश्वजीत जी शुक्रिया, माफी चाहता हूँ ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, थैंक यू सो मच, हम तो पूछेंगे, हमें फिलहाल इतना ही।